नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं परवेज और आप देख रही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विस हेल्प। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के नई अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है, इसको जानना आपको बेहद ही जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि झारखंड में भी अब ई पास बनाने के लिए आदेश दे दिया गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार द्वारा यहां पे निर्णय लिया गया है, जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है झारखंड में निजी गाड़ियों के लिए जरूरी होगी ई पास। और गाइस, मैं आपको बता दूं, सफर करने वाले लोगों के साथ गाड़ी के डॉक्यूमेंट के भी देनी होगी जानकारी। और गाइस, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 16 मई से 27 मई तक जो यहां पे संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है, फ्रेंड्स उसके बारे में यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंध कर दिया गया है। ई पास की निजी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ई पास के आवेदन के लिए झारखंड सरकार की तरफ एक विशेष पोर्टल के तैयार किया गया है, जिसे राज्य भर के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं से भी ई पास प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां आवेदन करने के लिए आवेदन को अपने आधार कार्ड के साथ गाड़ी के कागजात स्कैन कॉपी भी रखनी होगी। किसी भी सूरत में गाड़ी का डॉक्यूमेंट 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और गाइस, यहां पे लिखा हुआ आवेदन करने के स्टेप, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ई पास झारखंड.nic.in पर लॉगिन करना होगा। यहां अपना मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्टर करना होगा। गाइस, रजिस्टर होते ही प्रोफाइल बन जाएगा और यहां अपना नेशनल डिटेल्स अपडेट करने के साथ वैलिड आईडी भी अपलोड करना होगा। प्रोफाइल अपडेट होते ही प्रोफाइल के नीचे अप्लाई फॉर्म ई पास का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर भी आपको बताना होगा कि आपको किस प्रकार के पास की जरूरत है। तो गाइस, पहला में है आप झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं, दूसरा झारखंड के ही किसी जिले में यात्रा करना चाहते हैं, तीसरा अपने ही जिले के किसी दूसरे जगह पर जाना चाहते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, कैटेगरी के लिए ही बन रहे हैं पास। सबको इस कैटेगरी को आपको जानना है, किस किस कैटेगरी में आपको ई पास के लिए आवेदन करना है। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पास को 7 कैटेगरी में बांटा गया है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, शादी, आप किस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं, क्या आप जाकर वापस भी आएंगे, ये भी आपको बताना होगा। तो गाइस, आप इस तरीका से अपने ई पास बनाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, ई पास बनाने के लिए भी वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि आपको ई पास कैसे झारखंड में आपको अप्लाई करना है, ई पास झारखंड.nic.in वेबसाइट से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ई पास में आपको झारखंड में बना के आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीका से आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।